बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम पार्टनरशिप फॉर्मेशन का टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था, और पार्टनरशिप के इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो फॉर्मेशन का हम इस वक्त क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, इसमें हम मज़ीद अब जो कुछ नया उन्होंने मतलब इंट्रोड्यूस करवाया है, कोई नई लॉजिक, उसको हम इंशाल्लाह यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपसे यहाँ पर जिक्र कर दूँ कि हम उन सवालात को ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे कि जिनमें कुछ नई चीज़ वो पूछ रहा होगा या कुछ नया बताने की कोशिश कर रहा होगा। अगर असाइनमेंट्स में भी, और हम आमतौर पर देखते हैं सवालात की जो तरतीब होती है उसमें आमतौर पर ये भी देखा जाता है कि एक सवाल से रिलेटेड अगला सवाल असाइनमेंट के तौर पर दिया जाता है, यानी सिमिलर टाइप का होता है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि उन सवालात को स्किप कर दें, और जो सवालात हमारे पास मौजूद होंगे हम उस सवाल को सॉल्व करें कि जिसमें कुछ नया या कोई नई लॉजिक, कोई नई चीज़ उन्होंने पूछी है। तो हमारे पास प्रैक्टिस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मैं रीड कर रहा हूँ, एक नज़र देख लीजिए। वो कहता है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप कंट्रीब्यूटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल एज शोन इन बिलो। उन्होंने कहा है कि तीन पार्टनर एक्स, वाई और जेड तीनों सेम अमाउंट कैपिटल की इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहां तक बात उन्होंने बोली है, यानी अगर एक का कैपिटल 1 लाख तो बाकी तीन का, बाकी दो का भी 1 लाख ही होगा, एक का अगर 4 लाख तो बाकी सबका भी 4 लाख होगा। आगे चलते हैं। इंफॉर्मेशन देता है कि मिस्टर एक्स ने अब जो कंट्रीब्यूशन करी है उसकी बात बता रहा है। कह रहे कैश इन्वेस्ट किए 2,70,000 और इक्विपमेंट 4,50,000 के। मिस्टर वाई ने कैश किया 6,30,000 का और मर्चेंडाइज फॉर दी बैलेंस अमाउंट। अब उन्होंने मर्चेंडाइज बताई नहीं कि कितनी अमाउंट की है, ये हम कैलकुलेट खुद करेंगे। इसी तरह मिस्टर जेड का कहते हैं कि मशीनरी वर्थ ₹5,04,000 एंड बैलेंस इन कैश, यानी मशीनरी दी है और जो बाकी का बैलेंस बचेगा वो उन्होंने कैश की कंट्रीब्यूशन की है। आगे बोलते हैं, इट इज एग्रीड दैट द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर शुड बी इक्वल टू मिस्टर एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो कहते हैं कि इस बात पर हमने एग्री करा, यानी तीनों पार्टनर्स ने एग्री करा कि जो कैपिटल मिस्टर एक्स का होगा, जो कैपिटल मिस्टर एक्स का होगा वही कैपिटल बाकी तमाम का होगा। अच्छा, यही बात क्वेश्चन की पहली लाइन में भी डिफाइन की गई है कि तीन पार्टनर हैं और तीनों ने इक्वल अमाउंट की कंट्रीब्यूशन की है। अब इक्वल अमाउंट की कंट्रीब्यूशन उन्होंने बताया नहीं कि कितनी अमाउंट है, लेकिन यहां आके वो एक लाइन में वजाहत करते हैं कि जो मिस्टर एक्स का कैपिटल होगा वही बाकी दो का भी होगा। अब जरा इस सवाल को देखते हैं, रिक्वायरमेंट क्या कर रहा है। कहता है कंप्यूट द इनिशियल कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, यानी कंप्यूट करना है कैपिटल ईच पार्टनर का, और इसके साथ साथ एंट्रीज इन जर्नल में एंट्रीज बनानी है, प्रिपेयर बैलेंस शीट इन क्लासिफाइड फॉर्म, फॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप की जो बैलेंस शीट है वो प्रिपेयर करेंगे आप, जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करेंगे आप, इसके साथ साथ इससे भी पहले आप कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे। तो हम इस सवाल को देख लेते हैं कि सवाल शुरू कैसे करते हैं। देखें, सबसे पहले आपने क्या करा, हेडिंग लगा देंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल। हमें कैपिटल कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मिस्टर एक्स, सवाल में दिया हुआ है उनका कैश है 2,70,000 का, इक्विपमेंट है 2,50,000 का, तो 5,20,000 की इनफैक्ट उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट है। अब देखें सवाल की जो आखिरी लाइन है, उन्होंने कहा कि बाकी सबका भी कैपिटल इस कैपिटल के बराबर होगा। ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया ना उनकी इन्वेस्टमेंट से, तो अब इन सबका भी कैपिटल जो है वो 5,20,000 ही आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, यहां लिख देता हूं मैं पहले ही 5,20,000, ये भी 5,20,000। अब ये अमाउंट निकालना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, ये फिगर और ये फिगर आपस में माइनस कर दें तो यहां पर फिगर आ जाएगी। सवाल में खुद कह रहे हैं कि कैश की कंट्रीब्यूशन इतनी है, बाकी की मर्चेंडाइज है, मशीनरी उन्होंने 5,04,000 के लिए, बाकी का कैश है। तो अगर हम 6,30,000 में से कैलकुलेट कर लेते हैं, 6,30,000 में से माइनस कर देते हैं 5,20,000, तो हमारे पास बचते हैं 1,10,000। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 1,10,000। इसी तरह अगर 5,20,000 माइनस कर देता हूं 5,04,000, तो ये बचते हैं 16,000। तो इस तरह हमने इनकी जो कैलकुलेशन थी वो मुकम्मल कर ली।
कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये कैपिटल इन सबका तीनों का निकल के आ गया और ये इनके इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर निकल के आ गई। अच्छा, अब एंट्रीज बनानी है आपने, तो एंट्रीज बनाएंगे किस तरीक़ेकार से? एंट्री बनाने का तरीक़ेकार वही पुराना है कि हमने जैसे पिछले सवाल के अंदर जो है एंट्रीज बनाई थी कि जो इन्वेस्टमेंट एक पार्टनर कर रहा है वो तमाम चीज़ें डेबिट आएंगी, पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स की इन्वेस्टमेंट क्या है? कैश डेबिट, इक्विपमेंट डेबिट, कैपिटल क्रेडिट बाय 5,20,000, यानी ये एंट्री बन जाएगी इसकी सबसे पहली। इसी तरह ये एंट्री दूसरी बन जाएगी और ये एंट्री तीसरी बन जाएगी। बस यहां लिख लीजिएगा आप कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड, ठीक है। तो कैलकुलेशन के बाद ये तीन एंट्रीज बनेंगी। अब उसके बाद मैं बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूं तो उसको देख लेते हैं हम। बैलेंस शीट में करंट एसेट्स अब देख लीजिए, हमारे पास है कैश, सबसे पहला आ जाएगा कैश। अच्छा, कैश में ये तमाम कैश मर्ज हो जाएंगे आपस में, तो हम इनको कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। 270 और 630 और 16, 9,16,000, ठीक है। तो कैश आपने ले लिया। अब कैश के बाद मर्चेंडाइज है। आप देखिए मर्चेंडाइज सिर्फ एक ही है, 1,10,000 की, और इक्विपमेंट नॉन करंट है, मशीनरी भी नॉन करंट है, तो इनकी टोटलिंग कर लीजिए, 9,16,000 और 1,10,000, तो ये हो जाएगा 10,26,000, ठीक है जी। ये आ जाएगा आपका टोटल करंट एसेट्स। नॉन करंट पे आ जाइए तो आप सबसे पहले ले लेंगे इक्विपमेंट 2,50,000 का और इसके साथ साथ मशीनरी है 5,04,000 की। तो 7,54,000 का इनका टोटल आ जाएगा। लाइबिलिटीज हमारे पास एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस कोई नहीं है, निल है। इक्विटीज पर आ जाते हैं तो हम लिखेंगे कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड। मिस्टर एक्स का कैपिटल, मिस्टर वाई का कैपिटल और मिस्टर जेड का कैपिटल सेम है, तो हम क्या लिख देंगे, 5,20,000, 5,20,000 और 5,20,000, राइट। तो ये हो जाएगा 15,60,000 और इनका भी टोटल कर लें तो देख लेते हैं, 10,26,000 और 7,54,000 हमारे पास 270, 630 और 16 और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है हमारे पास 1,10,000 की प्लस 9,16,000, तो 10,26,000 प्लस 754 कुछ शायद हमारे पास ये कैलकुलेशन में शायद मिस्टेक हुई है हमारे पास।
इक्विपमेंट लिखने में हमसे मिस्टेक हो गई, ये 250,000 नहीं है, दरअसल ये है 450,000, ये 450,000 है दरअसल। और अब देखें, एक मिस्टेक हुई तो अब उस मिस्टेक की वजह से इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 270 प्लस 450, तो 720,000 है दरअसल आपका कैपिटल। अब ये भी यहाँ पर 720 और यहाँ पर भी डेफिनेटली 720। अब आपके पास 720 माइनस 630 तो ये हो जाएगा 90,000, ठीक है। और इसी तरह अगर 720 है माइनस 504 तो 216। अब देखिए इम्पैक्ट यहाँ पर भी आएगा, कैश हमारे पास 270 प्लस और 630 प्लस और 216, राइट। और इसी तरह मर्चेंडाइज हमारे पास भी चेंज हो जाएंगी, 90,000 की हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 1206,000, राइट। इसी तरह अब नॉन करंट पे आ जाएं तो इक्विपमेंट हमने जो लिखा था उसकी वैल्यू चेंज हो गई है, तो ये हो गई है 450,000 और मशीनरी 504,000 की है, तो 450 504 तो 954, ये चेंज हो जाएंगे सबके कैपिटल्स, ये 720 तो हो जाएगा राइट। और यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि 1206 प्लस 954, अब ये आ गया टोटल इक्वल, ठीक है जी। तो देखिए हमसे मिस्टेक हुई थी कैलकुलेशन में, फिगर लिखने में, ऐसी मिस्टेक्स आमतौर पर हो जाती हैं, एग्जाम्स में भी हो जाती हैं, लेकिन ये जो इम्पैक्ट आता है इसका, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके नंबर कटने का चांस रहता है। तो बहरहाल इस चीज़ को देखना है हमने कि इस सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है। पहले सवाल आसान था, कैपिटल कैलकुलेट करना था, एंट्रीज बनाएंगे फिर आप रिक्वायरमेंट, वो मैंने एंट्रीज यहाँ नहीं बनाई है, लेकिन एंट्रीज आपको मैंने बनाने का तरीका बता दिया। तीन एंट्रीज बनेंगी अलग अलग तीनों पार्टनर्स की, उसके बाद ये बैलेंस शीट इस तरीक़ेकार से तैयार हो जाएगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने इस सवाल को सॉल्व किया, इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।